दर्जनों की संख्या में गृह रक्षक की बहाली के लिए दौड़ लगाने आए अभ्यर्थियों ने सुपौल समरणालय के सामने प्रदर्शन कर डीएम के समक्ष अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप था कि वे लोग गृह रक्षक की बहाली के लिए दौड़ लगाने आए थे, लेकिन उसमें काफी अनियमितता बरती गई। समाग लाइव के लिए सुपौल से संत सरोज के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। गृह रक्षक के जवान है, 2006 की बहाली में हम लोग आए हैं। हम लोगों का दौर में मतलब प्रोफेक्टस में नहीं था, लेकिन दौर लिया जा रहा है। दूसरी बात है 50 जवान से ज्यादा नहीं लेना चाहिए प्रोफेक्टस के आधार पर। उसी आधार में हम लोग 50 से ज्यादा जवान को दोहराया गया है। हम लोग डीएम साहब के पास जा रहे हैं और अपना बयान देंगे, इस बहाली को फिर से दोबारा लिया जाए। हम लोग दौर में भी पास करके गेट पर से वापिस कर दिया है। यदि सीसी कैमरा लगा हुआ है सर, तो फिर से चेक किया जाए कि समय से पहुंचे हैं, लेकिन मतलब हम लोगों को पकड़ लिया है। जो जिसमें पकड़ा है उसमें जो है मेरा फोटो होगा सीसी कैमरा में देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण कुमार यादव है। पूरा होने में 6 मिनट। हाँ बोलिए। 21 फीट बचा था मेरे दौड़ पूरा होने में 6 मिनट। पहले हमको पुलिस पकड़ लिया और दौड़ने नहीं दिया, मिनट से पहले हमको निकाल दिया ग्रेन से। हमको दौड़ाया जाए, हम चैलेंज करते हैं कि हम 6 मिनट में दौड़ पूरा करने के, वहाँ पे किसी को दौड़ने ही नहीं देता, मिनट से पहले पकड़ के पुलिस सर करता है। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है 2006 की बहाली में समय बढ़ाया जाए। समय बढ़ाया जाए और दौड़ नहीं लिया गया है। दौड़ हम 6 मिनट का दौड़ है, 5 में पुलिस पकड़ लेता है उधर।